दोस्तों, आपका अपना चैनल पौर बर्ड लवर। आज आपको जुमा मार्केट हैदराबाद का विजिट करा था। यहाँ पे तकरीबन यूज्ड जो सामान है तकरीबन आपको मुनासिब कीमत पे यहाँ पे मिल जाता है। ये मार्केट जो है लतीफाबाद में लगती है। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की, क्योंकि यहाँ पे जितनी आप भीड़ देख रहे हो तो लोग बात जो है वो कम कर दें। बाकी आपको आइटम दिखाएंगे कि यहाँ पे मार्केट में आपको कौन कौन से मिल जाएंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत यहाँ पे भाई ये सेंकलें भी लाया। इसमें बड़ों की भी है, छोटों की भी है। सेंकलें मुनासिब कीमत पे यहाँ पे मिल जाती हैं। ये जुमा मार्केट जो है ये हर हफ्ते हैदराबाद में अपना 12 नंबर लतीफाबाद में ये लगती है। यहाँ पे तकरीबन आपको हर चीज़ मुनासिब कीमत पर मिल जाएगी। और ये है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको यूज्ड मिलती है, नई भी होती है काफ़ी कर। जो सामान जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलता, जो जो अनमोल चीज़ें हैं, जैसे ये देख सकते हैं अभी ये बुक्स वगैरह, ये बुक्स भी बाहर से ही आते हैं। ये बुक्स जो आते हैं ये तकरीबन इनकी बाहर जो कीमत होती है बड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये कबाड़ में आते हैं बुक्स वगैरह, यहाँ पे आपको सस्ते मिल जाते हैं। ये चेक कर लें, ये भी सारा ये ऐसे समझो ये स्कैनर पड़ा है, पुराने दौर का स्कैनर जिसमें हम अपना तस्वीरें वगैरह स्कैन करते थे। ये थरमाश वगैरह बच्चों के भी पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है तो कीमत वगैरह कम बताते हैं। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको वीडियो में कीमत वगैरह भी पूछते हुए बता सकें। ये मोबाइलों का सामान है, ये टूटी फूटी मोबाइलें होती हैं, पर यह होता है कि इनमें से कोई ना कोई अच्छी चीज़ निकल जाती है जो मैकेनिक हजरात होते हैं उनके काम की होती हैं। ये सप्लाई पड़ी हैं, ये सप्लाई भी यहाँ पर ये चेक करें। ये वो नट बोल्ट हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। पुरानी चीज़ें, असल चीज़ें, पुरानी चीज़ जो बिल्कुल पायदार चीज़ होती है, वो चीज़ यहाँ पे आपको मुनासिब कीमत में। ये नहीं होगा कि कीमत उसकी नए की होगी। ये भी जो है सारे बर्तन यूज्ड में हैं। ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा सेट पड़ा हुआ है, ये इस तरफ भी ये सारे जो बर्तन हैं ये भी यूज्ड में ही वहाँ पर पड़े हुए थे। ये देखें, आपको दोबारा बता दें कि ये मार्केट जो है ये अपना हैदराबाद 12 नंबर, लतीफाबाद 12 नंबर में, और हर फ्राइडे को ये मार्केट लगती है। इस मार्केट को काफ़ी जो है चोर बाज़ार के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी जुमा मार्केट के नाम से भी जानते हैं। और ये मार्केट जो है तकरीबन अपना जब से हैदराबाद का बुनियाद पड़ा है तब से ये मार्केट लगती हुई आ रही है। और जो भी इनमें सामान आता है वो चोरी का नहीं होता, चोर बाज़ार इसको बोलते ज़रूर हैं, पर वो ये होता है कि काफ़ी कर जो चीज़ें जो घरों से निकलती हैं यूज्ड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे अभी ये टीवी है, टीवी देखो अभी जैसे उसका दौर तो ख़त्म हो गया है, पर यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये जो चीज़ें होती हैं तकरीबन अपना जो है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्तन, ये गफ़ार भाई ने कोई चीज़ उठाई हुई है, पर ये हमें भी पता नहीं था कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं जो आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ पुराने दौर की भी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। एंटिक पीस जिसको हम बोलते हैं, ये अपना सिलाई वाली मशीन है। जो सिलाई वाली मशीन आपको बाहर जो 10-12 हज़ार की मिलेगी, यहाँ पे ऐसे समझो 50%, अगर बाहर कोई चीज़ 12 हज़ार की है तो यहाँ पर आपको 4-5 हज़ार, 6 हज़ार तक यहाँ पर मिल जाएगी। ये चेक कर लें, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये गफ़ार भाई भी आगे जा रहे हैं, ये देख लें, इसमें टॉर्च वगैरह भी पड़ी हैं, ये बोर्ड वगैरह भी पड़े हैं, पंखे, ये दोबारा बुक्स वगैरह पड़े हैं। ये बुक्स जो हैं ये पुराने ज़रूर हैं, पर ये अनमोल चीज़ें होती हैं, ये बैरून मुल्क से यहाँ पे आती हैं। ये शोपीस भी पड़े हुए हैं कुछ गुलदानों के, ये देख लें, ये जूसर मशीन है, ये अपना गाड़ी का भी कुछ बाइकों का भी सामान पड़ा है, और ये बीच में बैटरियाँ वगैरह। और ये जैसे सर्दियां स्टार्ट हुई हैं तो उनके कपड़े भी यहाँ पे मार्केट में आना स्टार्ट हो गए हैं, सर्दियों वाले जो जैकेट, जर्सी वगैरह, ये बैग्स, ये देख लें, ये सारे नए हैं, ये यूज नहीं है। बट ये होता है कि मार्केट से आपको यहाँ पे कम कीमत में ये चीज़ें मिल जाती हैं। मार्केट में जो चीज़ मैंने आपको बताया ऐसे समझो 100% होगी, वो यहाँ पर आपको 50% कम पे मिलेगी। और ये मार्केट जो है हर जुम्मे को अपना हैदराबाद शहर में ये मार्केट लगती है। ये चप्पलें जो हैं ये 150-150 के हिसाब से यहाँ पे बिक रही थी, ये चेक करें, क्योंकि यहाँ पे देखो ना कस्टमरों की कितनी भीड़ है, इसलिए वो बात नहीं करते। ये अपना लतीफ़ भाई ने भी एक चीज़ परचेज़ की थी, ये लतीफ़ भाई ने लाउड परचेज़ किए थे, छोटे से लाउड थे, ये देख लें, ये भी हमने परचेज़ किए थे। ये हमने जोड़ी लाउडों की जो है 100 रुपये की परचेज़ की। ये मार्केट में अगर शहर से लेने जाएंगे ये तकरीबन 300 से 400 के ये लाउड हैं। ये चेक करें, जूसर मशीन भी हैं, रिमोट भी नज़र आ रहे होंगे आपको, ये चार्जर वगैरह, चार्जर हर वोल्टेज के,
ऐसे नहीं है एक वोल्टेज, हर वोल्टेज जो भी वोल्टेज के अगर 4 वोल्ट 8 वोल्ट के, ये मोबाइल मार्केट है, मोबाइल जैसा मार्केट लगती है पूरी, यहाँ पे आपको हर किस्म के मोबाइल मिल जाएंगे। मोबाइल वाले अपना चेहरा नहीं भरवा रहे थे इसलिए मैंने, और यहाँ पे मोबाइल जो है यूज होते हैं वो आपको चेक करने का था कि यहाँ पे मोबाइल चेक कर कसरी कर लें, ये कोई भेरा गिरा नहीं मोबाइलों, ये चेक कर लें, ये भाई जो है ना मोबाइल ऊपर नहीं करने दे रहे थे क्योंकि किसी का चेहरा ना आ जाए, इसको ये चेक कर, ये टच मोबाइल भाई करा, ये भी इसे टच मोबाइल है, अपना आईफोन कोई मोबाइल लाया, डब्बा वगैरह हर चीज़ है। पर ये है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, क्योंकि यूज्ड मोबाइल में यहाँ पे फ्रॉड वगैरह भी होता है। अच्छी चीज़ खुद देखकर और चेक करके लेना। ये भी यहाँ पे मोबाइल वाले तकरीबन ये पूरी मंडी लगी हुई है मोबाइलों की, ये सारे बंदे जो देख रहे हो ना, ये सारे मोबाइल बेचने वाले और ख़रीदने वाले हैं। ये एक साइड पर खड़े होते हैं, एक साइड पर ये वाली मोबाइल वाला सिस्टम होता है, बाकी टोटल मार्केट में हर चीज़ कहीं पे आपको बैग्स मिल रहे होंगे, कहीं पे कोई चीज़ मिल रही होगी। परंदे भी इस मार्केट में आते हैं, आपको दोबारा बताएं, परंदे वगैरह भी आते हैं, ये अपना चेक कर बैग्स वगैरह, दोबारा एक ठेला दूसरा आ गया जिसपे ये बैग वगैरह पड़े हैं, ये देख सकते हैं इस तरफ भी, ये माशाल्लाह ये अपना ठेले वगैरह, ये भी पंखा, ये डीसी फैन और अपना ये बैटरीज वगैरह बेच रहा है, ये बाइक की बैटरी है, ये वहाँ पर ये ग्लेंडर भी बेच रहा है यहाँ पर, ये जो किचन के औजार होते हैं कोई रोटक वाला पीछे, ये जो लड़की ये नहीं, ये भी भाई गफार, देखते हैं ये क्या चीज़ दिखाता है, ये रज़ाइयाँ, ये टायर, टायर भी यहाँ पे मिलते हैं यूज्ड। दोबारा आपको बताएंगे यूज्ड जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से यूज्ड मिलेगी। अभी इनका तो दौर ख़त्म हो गया, सीडीज़ वगैरह आपको नज़र आई होंगी, इनका दौर ख़त्म हो गया, ये अंगूठियाँ बेच रहा था भाई, ये यहाँ पे एक भाई जो है ये वूफर वगैरह लाया था, ये इसका रेट जो है तकरीबन भाई 3,000 से 4,000 रुपये रेट मांग रहा था इसका ऊपरों का। यहाँ पे सैंकलें, अपना बच्चों के खिलौने, कुर्सियाँ, ये कुर्सियाँ हैं, ये लतीफ़ भाई ने चेक भी की थी, शायद लतीफ़ भाई को परचेज़ भी करनी थी पर हमारी उधर बात नहीं बनी। ये वाली कालीन वगैरह जो अपना कमरे में कालीन वगैरह बिछा दें, ये कालीन, ये भी वहाँ पर आपको यूज्ड मिल जाएंगी, नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा इस मार्केट का आप चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये देख लें, ये देख लें यहाँ पे अपना, इस तरफ भी देखते हैं, इस तरफ भी ये लतीफ़ भाई वाले खड़े हुए थे, ये यहाँ पे ये चेक कर लें, ये भी यहाँ पे यूज्ड अपना कपड़े वगैरह जो अपना लुंडे के आते हैं जो सर्दियों में। इस तरफ एक भाई लाउड वगैरह भी बेच रहा था, देखते हैं उसको भी, ये देखें लाउड भी चेक करते हैं। सामान को खुआर दिया Yeah.
क्या क्या जानो जानो कहाँ है एडवांस देखी है बंदे अच्छा है कितने का सेल किया ਵੱਡੀ ਡਾਂਦੀ ਐਲ ਕੂਲਰੇ ਕੁਰਤੀਏ ਬਾਦਾਮ ਹੈ
₹700 वो चले गए, इसलिए मैं तवज्जो नहीं दी। थोड़ी देख कर क्या हो गया? हो गई बहुत बड़ा लगा पे भी नहीं।